हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के टाइम पर आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और नीट का एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड होंगे। तो बच्चों, आपकी प्रिपरेशन में ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन में लास्ट लेक्चर रहेगा आज। और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा टाइट्रेशन के रिगार्डिंग। टाइट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता है और काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट भी है, ये यानी कि काफ़ी ट्रिकी भी होता है। तो टाइट्रेशन के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताऊंगा और आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बताऊंगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बताऊंगा। यानी कि आज के लेक्चर में मेरा टारगेट है आपको क्या समझाना। आज के लेक्चर में मेरा टारगेट है कि सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूँ टाइट्रेशन क्या होता है और इसमें जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, जो टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है, जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो चलो हम एक एक चीज़ों को वन बाई वन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, टाइट्रेशन की बारी है, तो टाइट्रेशन होता क्या है सबसे पहले यही जान लो। टाइट्रेशन होता क्या है कि कैलकुलेशन, बहुत सटीक डेफिनेशन दूंगा, खाली आप देखते जाओ, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन With the help of known solution। हमने यहाँ पर दो टर्म यूज किए हैं बच्चों। पहले हमने एक टर्म यूज किया है अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन वो होता है जिसका हमें वॉल्यूम तो नोन होता है, यानी कि वॉल्यूम मालूम होगा, बट कंसंट्रेशन मालूम नहीं होगा। और नॉन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? नॉन सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका हमें वॉल्यूम भी मालूम होता है और जिसका हमें कंसंट्रेशन भी मालूम होता है। यानी कि हम एक नॉन सॉल्यूशन की मदद से एक अननोन सॉल्यूशन का क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन निकालेंगे। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इन केमिस्ट्री इज नोन एज टाइट्रेशन। हिंदी में इसको बोलते थे हमारे टाइम पे अनुमापन। देखिए बच्चों, अब सपोज करिए कि एक बच्चा आया, उसने कहा सर मैं आपको तभी टीचर मानूंगा जब आप मेरे पास 50 ml HCl का सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन नहीं मालूम आप बता देंगे तब मानूंगा मैं आपको टीचर, अदरवाइज आपको मैं अपना टीचर नहीं मानूंगा। यानी कि बच्चा मेरी परीक्षा लेने लगा, तो मैंने कहा रुक जा भाई, देख मैं तुझे कैसे निकाल देता हूँ। मैंने कहा बेटा मोल बता दे, मोल बता देता तो कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी मोल अपॉन वी लीटर करके निकाल देता। बच्चा बहुत बदमाश था, उसने कहा मैं आपको मोल नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ 50 ml HCl सॉल्यूशन दे रहा हूं और आपको तभी टीचर मानूंगा अपना जब आप मेरे को इसका कंसंट्रेशन बता दोगे। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मोल बता दे मेरे बच्चे, तो मोल अपॉन वी इन लीटर करके कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी निकाल दूंगा। उसने कहा सर मोल नहीं बताऊंगा। अच्छा भाई, तो हमने कहा रुक जा, तू मोल नहीं बताएगा तो रुक जा भाई, फिर तुझे बताता। फिर मैंने कहा तू सुन, टाइट्रेशन कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, तूने जो सॉल्यूशन दिया है मुझे वो अननोन है, विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन मैं लाऊंगा, डोंट वरी। तो बच्चे का सॉल्यूशन मेरे लिए अननोन सॉल्यूशन है और नॉन सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा। तो अब जरा देखो, मैंने कहा कि चलो तुम्हारा चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। मैंने उसका 50 ml सॉल्यूशन लिया,
जो कि HCl था। अब उसने मुझे इसमें सॉल्यूट के मोल बताने से मना कर दिया, तो मैंने इसमें एक इंडिकेटर डाला HPH, जिसका नाम है फिनाफ्थलीन। इंडिकेटर का काम सिर्फ इतना है कि जैसे ही सॉल्यूशन का नेचर चेंज होगा, मींस द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक एट दैट एक्सटेंट, जब बिल्कुल नेचर कन्वर्ट होगा तो ये अपना कलर चेंज कर देगा। यानी जैसे ही सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक में जाएगा, तो फिनाफ्थलीन का काम इतना है कि वो तुरंत पहले कलरलेस रहता है, फिर तुरंत पिंक कलर दे देता है। आप समझ गए क्या किस लिए मैंने इसको डाला है? फिनाफ्थलीन, दिस इज इंडिकेटर, ये क्या करेगा, ये कलर चेंज करके लोगों को इन्फॉर्म करता है कि भैया अब इस सॉल्यूशन में जिसमें आपने मुझे डाला था उसका नेचर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हमने तुरंत एक ऐसी व्यवस्था लगाई, हमने कहा बच्चे देख, मेरे पास एक नॉन सॉल्यूशन है, और वो नॉन सॉल्यूशन है किसका, वो नॉन सॉल्यूशन है मेरे पास NaOH का। NaOH का मेरे पास एक नॉन सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है मान लो 2 मोलर, कुछ भी हो मालूम होगा, बस सपोज इट्स कंसंट्रेशन इज 2 मोलर। यहाँ पर एक की लगा हुआ है, इस की को जब हम लोग ऐसे घुमा देंगे ऐसे, तो यहाँ से NaOH टपक टपक कर एसिड में गिरने लगेगा। इस की को जैसे हम ऐसे घुमाएंगे तो इस मुंह से NaOH बूंद बूंद करके HCl में गिरने लगेगा। जिस ट्यूब में यह रखा गया रहता है इसको, उसको बोलते हैं कि ये ग्रेजुएटेड ट्यूब होता है। ग्रेजुएटेड ट्यूब का सिर्फ इतना मतलब है कि उस पर मार्किंग की गई रहती है। जैसे थर्मामीटर से जब आपका टेम्परेचर नापा जाता है बुखार है कि नहीं, तो उसमें मर्क्यूरी भरा होता है और मर्क्यूरी का लेवल उठता है टेम्परेचर से, तो उसमें मार्किंग की गई रहती है, इतना लेवल हुआ तो इतना लेवल हुआ तो इतना लेवल हुआ तो इतना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अगर मार्किंग की गई है तो हम उसको बोलते हैं कि ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड का मतलब ये नहीं कि वो स्कूल में गया हुआ था, कि ये टेस्ट ट्यूब पहले पढ़ता था KG1 KG2 में, इसका ये मतलब नहीं है। ग्रेजुएटेड का सिंपल मतलब है कि उसके अंदर जो भी चीज है वो कितनी है, वो बाहर की मार्किंग को देख करके जाना जा सकता है। सिमिलरली जैसे थर्मामीटर से आपका बुखार नापा जाता है, बाहर की मार्किंग के लेवल पे ही जब पारा ऊपर नीचे होता है तो आपका टेम्परेचर बॉडी का जान लिया जाता है। हालांकि आजकल डिजिटल जमाना है, डिजिटल थर्मामीटर्स भी आते हैं, लेकिन पहले वही यूज होता था। अब मान लिया कि टोटल वॉल्यूम जो है 100 ml है और वो पता लग जा रहा है फुल है, तो समझ लो कि फुल है, तो यहां अगर तो 100 ml है। अब मैंने जैसे ही बूंद बूंद करके NaOH को गिराना शुरू किया, तो इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में NaOH का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। अब मान लो कि एक बूंद ऐसा गिरा कि झट से इसका कलर जो है कैसा हो गया, पिंक हो गया। और जैसे ही कलर पिंक होना शुरू किया, तुरंत मैंने चाबी बंद कर दिया, यानी कि तुरंत NaOH का इसमें से इसमें गिरना बंद हो गया। ध्यान से सुनो, एक ऐसा ड्रॉप आएगा जब वो इसमें गिरा और गिरते ही पता लगा इसके अंदर पिंक कलर आने लगा, मैंने तुरंत क्या किया, इसको बंद कर दिया। अब पिंक कलर कब आएगा, जब पूरा का पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, तब जैसे ही अगला बूंद बेस का गिरेगा, तो क्योंकि पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है इसलिए अब एक बूंद भी अगर बेस आया तो ओवरऑल नेचर बेसिक हो जाएगा, और जैसे ही ओवरऑल नेचर बेसिक होगा HPH तुरंत अपना कलर चेंज करके कैसा कलर दे देगा, पिंक कलर दे देगा बच्चों। तो जैसे ही किसी बूंद से इसके अंदर का कलर पिंक होता है, हम तुरंत इस चाबी को बंद करके NaOH का गिरना बंद कर देते हैं और हम समझ जाते हैं कि पूरा का पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है। इसीलिए इस बूंद के आते ही सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो गया, और सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होते ही ये HPH टूट करके अपना पिंक कलर दे दिया और तुरंत हमने इसको बंद कर दिया। अब मान लो कि पहले था 100 ml और जिस बूंद पर कलर पिंक हुआ वहां मान लो हमने देखा तो NaOH बचा था 80 ml।
अब पहले था 100, बचा है 80, यानी लगा कितना ml? पहले था 100, बचा है 80, यानी कि 20 ml लगा। अब जरा देखो, NaOH जो है वो HCl से जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। दुनिया वाले सब इस रिएक्शन को जानते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा बच्चों। तो अब जरा देखो, हम जानते हैं कि इसका 1 मोल NaOH कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेता है 1 मोल HCl, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमोल NaOH कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेगा 1 मिलीमोल HCl। तो आप जरा देखो, NaOH के मिलीमोल कितने हैं? मोलैरिटी इंटू वी इन ml, और इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वी इन ml। अब NaOH की मोलैरिटी है 2 इंटू वॉल्यूम है कितना, कितना लगा? 20 ml लगा, यानी टोटल यूज्ड मिलीमोल ऑफ NaOH इज 40। तो इसकी मोलैरिटी m और वॉल्यूम कितना लगा है HCl का? टोटल 50 ml न्यूट्रलाइज हुआ है, 50। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 40/50, यानी कि 4/5 आ गई मोलैरिटी। आप बताओ कि जो बच्चा मुझसे इतरा रहा था कि इस अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप मेरे को बताओ तभी आपको टीचर मानूंगा, अब उस बच्चे की मजबूरी हो गई, अगर वो ईमानदार है, कि उसे अब मुझे अपना टीचर मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके टास्क को पूरा कर दिया है, मैंने उसके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, मैंने एक अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो कि आया है 4/5 एक नोन सॉल्यूशन की मदद से निकाल दी है। इसी को बोलते हैं साइंस में टाइट्रेशन। अब एक चीज और जान लेना, जिस पॉइंट पर पूरा का पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है उसको दो नामों से जाना जाता है, एक तो एंड पॉइंट से जाना जाता है, एंड पॉइंट के नेम से, कि वह पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा एसिड बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट और एक और शब्द होता है टाइटर वैल्यू। टाइटर वैल्यू जो डिफाइन होती है वो भी कब होती है? जब पूरा का पूरा एसिड पूरे के पूरे बेस से क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। जैसे कहेगा इसकी टाइटर वैल्यू इतनी है, यानी कि एंड पॉइंट पे वो बात कर रहा है। जैसे कहता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना बेस लगा, टाइटर वैल्यू इतनी थी, NaOH की टाइटर वैल्यू इतनी थी। टाइटर वैल्यू मतलब एंड पॉइंट पर जितना NaOH लगा था वो इतना था। टाइटर वैल्यू जब भी किसी एसिड का या बेस का दिया होगा तो जान लेना कि वो कब डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है एट एंड पॉइंट, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर जान गए हो तो अब बहुत कुछ सिखाने को शेष है, सबको एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। बच्चों आपने सबसे पहले जाना क्या? आपने जाना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन। अब दूसरा बात शुरू होगा इक्विवेलेंट वेट, फिर तीसरा बात शुरू होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फिर उसमें हम कई सारी चीजों को वन बाय वन करके देखेंगे। जैसे बच्चों मान लीजिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इसको दुनिया का डेफिनेशन आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरा भी जान लीजिए। इक्विवेलेंट वेट मैं कहता हूं that part of molar mass which releases or accept 1 mole of इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बुक से थोड़ा हटके है, लेकिन क्वेश्चन में बड़ा मजा देगा आपको। किसी भी स्पीसीज के मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे
या एक मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। आपको बताया, ये डेफिनेशन जानते रहिए जरूर क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आप ये भी जानते रहें, वैलेंसी फैक्टर, कहीं कहीं इसी चीज को बोला जाता है एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का भी आप मेरा डेफिनेशन जरूर जानें। मैं कहता हूं कि एक मोल स्पीसीज के द्वारा टोटल दिया या लिया गया इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। जैसे यहां देखो हमने क्या बोला है कि दैट पार्ट ऑफ मोलर मास विच रिलीजेस और एक्सेप्ट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसी को जरा देखो कैसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ, बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच रिलीजेस, विच रिलीजेस और एक्सेप्ट या विच इज रिलीज्ड और एक्सेप्टेड बाय वन मोल ऑफ कंपाउंड, वन मोल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। एक मोल कंपाउंड के द्वारा लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन कहलाता है वैलेंसी फैक्टर, और मोलर मास का वह हिस्सा जो एक मोल इलेक्ट्रॉनों को लेता है या देता है वो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। ये मैं आपको बोल रहा हूं किताबों में कम ही लिखा मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकली जब तक ये चीज आप नहीं जानते रहोगे तब तक फिट नहीं बैठेगी बात। बुक्स में क्या लिखा रहता है, बुक्स में लिखा रहता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। और ज्यादातर आपको क्या दे देगा वो भी बता देता हूँ, और कुछ अच्छी जानकारी के साथ बता देता हूं। किताबों में आपको लिखा रहेगा कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर एसिड के केस में क्या होता है, एसिड के केस में होगा एच आयन रिलीज्ड बाय वन मोल ऑफ एसिड। बेस के केस में क्या होता है, OH आयन रिलीज्ड बाय वन मोल ऑफ बेस। सॉल्ट के केस में क्या होता है, सॉल्ट के केस में होता है चार्ज एसोसिएटेड, चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन और कैटायन। अब मैं ये बता देता हूं कि ये तीनों बातें उसी बात को बोलती हैं जो पीछे हमने आपको बोला। जैसे अगर H3PO4, H3PO3, H3PO2 की बात करें तो इसका एक मोल जो है वो 3 मोल एच आयन देता है, इसका एक मोल 2 मोल एच आयन देता है, इसका एक मोल 1 मोल एच आयन देता है। देखने में तो लगता है कि तीनों एसिड के एक मोल 3 मोल एच आयन देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। रीजन क्या है वो भी बता देता हूँ। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता सकता हूँ आपको। पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच एच, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एच एच, ये स्ट्रक्चर होता है। अब पानी के अंदर वही बॉन्ड टूटता है जो मोर पोलर हो, तो यहां जरा देखो मोर पोलर बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होगा, इधर 3 है,
यहाँ भी तीन है और यहाँ से यहाँ एक है, सॉरी यहाँ तीन है, यहाँ दो है और यहाँ एक है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक बराबर होती है, इसलिए वहाँ पोलरिटी बहुत कम होती है। तो जो मोर पोलर बॉन्ड होंगे वही पानी के अंदर टूटेंगे, सारे बॉन्ड पानी के अंदर टूटेंगे नहीं। तो दिखने में तो लगता है कि ये भी तीन मोल HN देगा, ये भी तीन, ये भी तीन, बट एक्चुअल में ये तीन, ये दो और ये एक देगा। अब वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका, थ्री, इसका टू, इसका वन। अब जरा देखो, इसका एक मोल तीन मोल HN दिया, तो जरा देखो यहाँ टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। अगर तीन मोल HN दिया तो एक PO4-3 भी बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि इसके एक मोल ने तीन मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया कि नहीं। तो जरा बताओ, पीछे तुमने लिखा था कि एक मोल कंपाउंड के द्वारा जितने मोल इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जाएं वही वैलेंसी फैक्टर कहलाता है, यानी वो डेफिनेशन यहाँ सटीक बैठेगा कि नहीं। ये उसका बच्चा है जो किताब लिखता है कि HN रिलीज बाई वन मोल ऑफ एसिड, एक्चुअली ये उसी का बच्चा है। यहाँ जरा देखो, दो मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है तभी तो वहाँ +2, यहाँ -2। यहाँ जरा देखो, एक मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है तभी तो वहाँ +1 और यहाँ पे -1, तो इसलिए यहाँ वैलेंसी फैक्टर 3-2-1। ठीक ऐसे ही यहाँ भी हम कर सकते हैं, जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे ALOH का होल थ्राइस, जैसे MgOH होल ट्वाइस। ये वन मोल HN देगा तो वैलेंसी फैक्टर 1, ये भी वन मोल देगा तो वैलेंसी फैक्टर 1, ये थ्री मोल HN देगा तो वैलेंसी फैक्टर 3, ये टू मोल HN देगा तो वैलेंसी फैक्टर 3, बट यहाँ भी अगर गौर से देखोगे तो टोटल जो ट्रांसफर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ठीक नंबर ऑफ HN के बराबर ही होंगे। इसलिए बुक्स में लिख दिया जाता है कि जो बेस का वैलेंसी फैक्टर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ HN रिलीज बाई वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो याद रखना, एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन वही जो मैंने तुम्हें बता रखा है, क्या किसी भी चीज के एक मोल के द्वारा लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन जो होगा वही कहलाएगा उसका वैलेंसी फैक्टर। अब तीसरी बात आती है सॉल्ट की। सॉल्ट में तुम्हें थोड़ा जानकारी दे देता हूं बच्चों, हर जगह वही चलेगा। जैसे अगर आपसे सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट पूछता है तो कुछ सॉल्ट हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये चीजें बुक्स में लिखी रहती हैं, बट ये आती कहाँ से, या आती हैं ठीक वहीं से जहां से मैंने आपको बातें बताई। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहता है, पहले आपने सुना होगा मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, .6H2O। अब अगर हम लोग यहां पर देखें और इसको तोड़ें तो ये टूटेगा 2NH4 प्लस Fe प्लस 2 प्लस SO4 पे -2 इंटू 2, और ये वाटर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना है, वो है 2 इंटू प्लस 1 और यहाँ पे कितना है प्लस 2, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लस 4 है। अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 है तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी -4 होगा। अब प्लस 4 माइनस 4 यानी कि टोटल जो ट्रांसफर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके एक मोल के फॉर्मेशन में वो 4 मोल इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है। ये इतनी स्पीसीज 4 मोल इलेक्ट्रॉन को दे रही है और ये इतनी स्पीसीज 4 मोल इलेक्ट्रॉन को ले रही है, तब इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज है -4 का, यहाँ है +4 का। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर बोल दिया जाता है सॉल्ट के केस में क्या हो जाता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन और चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन।
सॉल्ट की बात करें तो एक बड़ा कॉमन सॉल्ट है जिसका नाम जरूर आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं मोहर सॉल्ट। अगर मोहर सॉल्ट की बात की जाए बच्चों, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O। अगर इसको हम तोड़ें तो ये 2NH4 प्लस प्लस SO4 पे -2 प्लस Fe पे +2 प्लस SO4 पे -2 डॉट 6H2O बनता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन तो कितना है, +2 +2 +4 है। टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन कितना है, -4 है, -2 -2। तो यहाँ पर हम मोलर इक्विवेलेंट वेट क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट वेट लिख देंगे मोलर मास अपॉन 4, क्योंकि सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन या चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन। अब मेरी जो मैंने आपको सिखाया उसको फिट करिए कि मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एक मोल स्पीसीज में लिए या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स, तो लिए दिए गए इलेक्ट्रॉन चार ही हैं, तो इसको सीधे बोल देता है क्या कि सॉल्ट के केस में क्या करोगे, चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन या चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन, मोहर सॉल्ट हो गया। अब एक और सॉल्ट आप लोग सुनते होंगे, ग्लोबुलर सॉल्ट, GLOUBER। ग्लोबुलर सॉल्ट की अगर बात करें, GLOUBER ग्लोबुलर सॉल्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 डॉट NH2O। इसको तोड़ोगे तो ये 2Na प्लस प्लस SO4 पे -2 में टूटेगा। अगर इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना चाहो या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो ये +2 ये -2, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो मोलर मास अपॉन चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन या चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो हम लोग पढ़ते हैं ब्लू विट्रियॉल के बारे में। ब्लू विट्रियॉल जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2O, उसका कलर ब्लू होता है, ये भी टूटेगा तो Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 में, तो इसका भी जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर यानी कि चार्ज एसोसिएटेड विद कैटायन या चार्ज एसोसिएटेड विद एनायन के बराबर होगा। एक और सॉल्ट काफ़ी पूछा जाता है, बोलते हैं 1, 2, 3, चलो एक पहले हो गया है, फोर्थ है वैसे ही है, जिसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। अब इसका फॉर्मूला ही नहीं मालूम रहेगा तुम्हें तो क्या करोगे, NaNH4HPO4 यहाँ तोड़ोगे तो ये Na प्लस NH4 प्लस प्लस HPO4 पे -2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 आया। तो इसका अगर कोई कहे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास अपॉन चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन या चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन, जो कि किसके बराबर है, जो कि 2 के बराबर है। यानी कि हम सॉल्ट के केस में इस तरह से निकाल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट। अगर हम इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं तो आगे भी देख लीजिए कोई और एक दो सॉल्ट हो जो आपके जानकारी में, जैसे ग्रेट ग्रीन, क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड रहता है, ग्रेट GUI ग्रेट ग्रीन Cr2O2.2H2O, तो इसको तोड़ोगे तो 2Cr +1 प्लस O2 पे -1 इस तरह से टूटेगा, या कोई और चारा है,
या इसको हम तोड़ सकते हैं इस तरह से भी, 2Cr प्लस 2 प्लस 2O पे माइनस 2, तो यानी कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज एसोसिएटेड होगा यहाँ, क्योंकि ये परऑक्साइड नहीं होता है, क्रोमियम परऑक्साइड नहीं फॉर्म करता, ये स्थिति रहती है, तो प्लस 4 और टोटल नेगेटिव चार्ज जो होता है वो माइनस 4 के बराबर हो जाता है। अगर हम टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 और टोटल नेगेटिव चार्ज Cr2O3 होगा, ये वेट ग्रिड ग्रीन का फार्मूला Cr2O3 होगा, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्साइड होगा Cr2O3, राइट, 2Cr प्लस 3 प्लस 3O पे माइनस 2, राइट, ठीक है, इधर प्लस 6 प्लस 6 इधर माइनस 6, अब राइट है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। और क्रोमियम का वैसे भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक प्लस 3 होता है, आई थिंक क्या प्लस 3 ही होता है, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, यहाँ इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यानी कि 6। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये इतनी देर जो हमने बताया इसलिए कि आप कुछ फार्मूले याद रखें और कुछ बुकिस बातें भी जानते रहें, हालांकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो भी कुछ हम आपको सिखाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, ज़रा देखो, ज़रा समझो, ज़रा जानो। अब तुम्हें दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एक तो K2Cr2O7 के बारे में, दूसरा KMnO4 के बारे में, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाई क्रोमेट और इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब बच्चों ज़रा देखो, अगर हम पोटेशियम डाई क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराएं और पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराएं, तो ज़रा देखो कि क्या होता है, बहुत ज़रूरी है, बिना इन बातों के टाइट्रेशन पे न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे आप। जब हम इनको ऐसे इसके साथ ट्रीट कराएंगे तो ज़रा देखो क्या होगा, इनके साथ ट्रीट कराएंगे तो सबका सल्फेट निकाल दो, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सबका सल्फेट निकाल दो, K2SO4 MnSO4 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा बाबा, बैलेंस कर देते हैं, देखो यहाँ 3, 1, 4 सल्फेट, यहाँ अकेला 1, तो 1 को 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 4 करना पड़ेगा, और जैसे ही सल्फर बैलेंस हुआ या सल्फेट आयन बैलेंस हुआ तब बचेगा ऑक्सीजन, तो 4, 4 जा 16 और 7 23 हो जाएगा, 4, 3 जा 12 और 4 सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, 12 और 4 16 4 20 23, यहाँ 3 कर देना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस करो तो यहाँ सबसे पहले 2 करो, यहाँ 2 करते ही सबसे पहले यहाँ 2 करो, फिर 2 और 1 3, यहाँ 3 करो, फिर यहाँ 3 करो, ऑक्सीजन इम्बैलेंस होगा, यहाँ 5 कर दो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ ज़रा देखो, यहाँ पर क्रोमियम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 क्रोमियम है जो प्लस 6 से, यहाँ 2 क्रोमियम है जो कि प्लस 3 में है, यानी कि एसिडिक मीडियम में जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को ट्रीट किया जाता है तो 2 क्रोमियम प्लस 6 से प्लस 3 में कन्वर्ट होते हैं। अब जरा देखो, इसके 1 मोल में तो टोटल 2 ही क्रोमियम है ना, तो अब अगर 2 क्रोमियम प्लस 6 से प्लस 3 में गए तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6 2 जा 12 3 2 जा 6, ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा,
यानी कि इस K2Cr2O7 का एक मोल जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन को लेता है, और जब एक मोल 6 मोल इलेक्ट्रॉन को लेगा तो जरा देखो इक्विवेलेंट वेट, मेरा डेफिनेशन जरा देखो, हमने कहा था माना इसका मोलर मास है एम के टू सी आर टू ओ सेवन, इसका एक मोल 6 मोल इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, और हमने डेफिनेशन में कहा था कि किसी भी स्पीसीज के मोलर मास का वह हिस्सा जो एक मोल इलेक्ट्रॉन ले या दे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ये, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन को इसका कितना हिस्सा लेगा, मोलर मास के टू सी आर टू ओ सेवन अपॉन 6, यही हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। इसी को बुक्स में अगर लिखते भी हैं तो ऐसे लिखते हैं कि मोलर मास डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तुम कैसे भी लिखो आना चाहिए, मोलर मास डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, वो भी कहाँ से पैदा हुआ है, मेरी डेफिनेशन से ही पैदा हुआ है। मेरा डेफिनेशन क्या है आपके लिए कि किसी भी स्पीसीज के मोलर मास का वह हिस्सा जो एक मोल इलेक्ट्रॉनों को ले या एक मोल इलेक्ट्रॉनों को दे, तो इसका एक मोल 6 मोल इलेक्ट्रॉनों को ले रहा था, तो इसका एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने, इसका कितना हिस्सा एक मोल इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यूनिटरी लॉ लगा दो, 6 मोल को लेता है एम, तो एक को कितना लेगा एम बाई 6। उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे आप। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, यहाँ पर मैग्नीज 2, 4, 8 + 7 में है, और यहाँ पर जो मैग्नीज है वो +2 में है, यहाँ का मैग्नीज +2 में है, यहाँ का मैग्नीज बच्चों +7 में है, तो जरा गौर से देखो कि इसके एक मोल में तो मैग्नीज का एक ही मोल है, और एक मोल मैग्नीज को +7 में +2 में जाने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर 5 मोल इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो जरा देखो 5 मोल इलेक्ट्रॉन अगर लेना पड़ेगा तो फिर इसके एक मोल ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, यानी KMnO4 के एक मोल ने कितना 5 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक मोल का मास मोलर मास के बराबर होगा, यानी कि एम KMnO4 ने एक मोल का मास कितना होगा मोलर मास के बराबर, 5 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, एम KMnO4 अपॉन 5, और मोलर मास का वह हिस्सा जो एक मोल इलेक्ट्रॉन को ले या दे, वही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है प्यारे बच्चों। तो ये बहुत भारी बात है, यानी कि जो KMnO4 है उसका मोलर मास एसिडिक मीडियम में, उसका इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में मोलर मास डिवाइड बाई 5 होगा, लेकिन जो K2Cr2O7 है उसका जो इक्विवेलेंट वेट है एसिडिक मीडियम में वो मोलर मास डिवाइडेड बाई 6 होगा, और यहाँ मोलर मास डिवाइड बाई 5 होगा। ये पूरा का पूरा बिहेवियर हमने इसका देखा किस मीडियम में, इसका पूरा बिहेवियर हमने देखा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब एक चीज और याद रख सकना, अगर रख लेना तो वो तुम्हारे बहुत काम आएगा, अभी लास्ट में बता देता हूँ चलो, कि पूरी रिएक्शन नहीं याद हो अगर तो क्या याद कर लो तो काम चलेगा। मुझे इसलिए याद है कि 10 साल से यही कर रहा हूँ, 10 साल नहीं हुआ होगा तो प्रोफेशनली 7-8 साल तो हो ही गया। आपको ना याद हो तो आपको उसके लिए मैं ट्रिक दूंगा। देखो अगला अगर मैं दूं आपको, मैं इसका ओवरऑल बिहेवियर जानना चाहता हूँ, सपोज करिए कि बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 जब बेस के साथ ट्रीट कराया जाता है तो ये बना देता है K2CrO4, K2CrO4 और वाटर। हम अगर इसे बैलेंस करेंगे तो बहुत आसानी से बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ अगर हम 4 कर दें और यहाँ 2 कर दें तो जरा देखो क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, 2 2 = 4, और यहां पर अगर हम 4 कर देते हैं तो हमारा रिएक्शन में पोटेशियम बैलेंस हो गया, और 4 7 8 वेट एक सेकेंड
बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी बैलेंस कर देते हैं। देखें हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी अभी 4 और चाहिए पोटेशियम, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो। अब बात आ गया हाइड्रोजन के इम्बैलेंस का, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये बैलेंस आपको मिलेगा। ऑक्सीजन देख लीजिए, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो गया 18, क्रोमियम 2 2 जा 4, यहाँ 4, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर अगर मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो क्रोमियम +6 में है, और यहाँ पर अगर मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन इसके एक मोल में, तो इसके 2 मोल से इसका 4 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा, इसके 2 मोल में 2 ही मोल क्रोमियम होगा। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ भाई, इसके 2 मोल से इसका 4 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा, और इसके 2 मोल में क्रोमियम का 2 ही मोल होगा, क्योंकि इसके 1 मोल में क्रोमियम का 1 मोल है, तो 2 मोल क्रोमियम है किस में +6 में, यानी कि यहाँ नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता है जब क्रोमियम को ट्रीट किया जाता है बेसिक मीडियम में। अब हम लोग देखते हैं KMnO4 को बेस से ट्रीट कराते हैं तब क्या होता है, ये बनाता है K2MnO4, ऑक्सीजन और वाटर। बैलेंस करने की बात आए तो बैलेंस भी कर देंगे भाई, कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। अगर यहाँ 4 कर दूँ, अगर यहाँ 4 कर दूँ तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा मैग्नीज को बैलेंस करने के लिए, 4 2 जा 8, यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, 4 है 2 2 जा 4, यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देख लो, 4 4 जा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि लेफ्ट साइड 20 मोल ऑक्सीजन है, तो यहाँ देख लीजिए 4 4 जा 16, 2 18, 2 20, ओके है एकदम पूरी तरीके से। अब यहाँ जरा देखो कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, KMnO4 +7 है, और अगर यहाँ देख लूँ तो K2MnO4, यानी कि यहाँ पर ये +6 है, 2 4 जा 8, -2 होगा तो यहाँ +6 आएगा, ये अगर +6 है तो यहाँ ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ले या दे वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है, तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास ऑफ KMnO4, इसका एक मोल में ही तो 1 मोल Mn होगा, यानी इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, तो सीधे यहाँ वैलेंसी फैक्टर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल स्पीसीज के द्वारा लिए या दिए गए इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो KMnO4 का 1 मोल में ही तो 1 मोल Mn होगा, यानी कि अगर मैं 1 मोल Mn को लेकर चल रहा हूँ, यानी 1 मोल KMnO4 को लेकर चल रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है Mn, KMnO4 के अंदर कोई और तो ले नहीं रहा है, तो 1 मोल KMnO4 ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, मोलर मास अपॉन 1, यानी कि जो वैलेंसी फैक्टर होगा KMnO4 का कैसे मीडियम में, वैलेंसी फैक्टर जो होगा KMnO4 का कैसे मीडियम में, अगर वो मीडियम ले लिया जाए हमारा बेसिक, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम अब न्यूट्रल मीडियम की बात करें और न्यूट्रल मीडियम में देखें कि क्या होता है इन दोनों के साथ, तो बच्चों आपको यहाँ भी कुछ सीखने को ही मिलेगा। न्यूट्रल मीडियम की अगर बात की जाए तो न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे हम लोग तो पता लग जाएगा हमको टाइम, K2Cr2O7 और KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम में बिहेवियर देखें तो इसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे। जब बच्चों ये वाटर से रिएक्ट करता है
तो क्या बनता है और क्या होता है जरा देखें। अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बना देता है K2CrO4 और H आयन। अगर हम इसका आयनिक रिएक्शन लिखें तो 2K+Cr2O7 -2H2O gives 2K+CrO4 -H+। ये इससे कट जाएगा, रिजल्टेंट आयनिक रिएक्शन आ जाता है Cr2O7 पे -2 is converted, is reacted with H2O and is converted into CrO4 पे -2 CrO4 पे -2 प्लस एच आयन। सरकार, इसी तरह से अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो पता लगेगा कि KMnO4 जब एक्वस मीडियम में रिएक्ट करता है तो KMnO4 एक्वस मीडियम में रिएक्ट करके MnO2, KOH और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। अब यहां पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये जानते रहिए एक बात तो कि ये डाइक्रोमेट आयन है और ये क्रोमेट आयन है। यहां अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 7 × 2 = 14 +6 है ईच क्रोमियम का, और टोटल क्रोमियम है 2। यहां पर देखें कि ईच क्रोमियम का कितना है 2 × 4 = 8 +6 और टोटल 2 होने पड़ेंगे, तो बैलेंस कर लेते हैं, सिर्फ क्रोमियम को बैलेंस कर लेते हैं जिससे हमारा लेना देना है, बाकी से हमारा क्या लेना देना। अब यहां अगर हम देखें तो यहां भी नो चेंज, यानी कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जब इसको न्यूट्रल मीडियम में और जब इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट कराया जाता है, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, इन दोनों में जब ट्रीट कराया जाता है तो क्या होता है बच्चों, there is no change in ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इधर आ जाओगे तो पाओगे कि रिएक्टेंट की तरफ जो KMnO4 था, चलो इसी में लिख देते, नहीं तुम कंफ्यूज होने लगो। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8 +7, यहां 2 × 2 = 4 +4, यानी कि मैग्नीज +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैग्नीज +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है तो जरा देखिए, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। अब प्यारे बच्चों, KMnO4 का मैग्नीज है जो +7 में है, यानी KMnO4 टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना हिस्सा लेगा इसके मोलर मास का, एक इसका जितना मोलर मास 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लेगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। यानी कि द पार्ट ऑफ मोलर मास ऑफ एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट और विच रिलीजेज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई 4। उम्मीद करता हूं कि आप K2Cr2O7 KMnO4 का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में पूरा का पूरा बिहेवियर देखे और आप समझे भी। अब आगे हम लोग चलते हैं
और आगे बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। जिन बच्चों को अभी तक का लेक्चर बहुत हार्ड लगा तो वो एटलीस्ट इतनी चीज़ें ध्यान रखें जो अब बोलने चल रहा हूँ। अगर हम लोग देखें तो बहुत शॉर्ट तरीके से चीज़ों को जाना जा सकता है। K2Cr2O7 अगर एसिडिक मीडियम में हो तो क्रोमियम +6 से +3 में चेंज होता है, टोटल 2 क्रोमियम है तो +6 से +3 में जाएगा तो टोटल 6 मोल इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा इसके 1 मोल के द्वारा, क्योंकि इसके 1 मोल में ही तो क्रोमियम का 2 मोल है। अब इसके मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले वही इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो अगर तुम सब कुछ नहीं याद रख सकते तो इतना तो याद रखना पड़ेगा। ये भी नहीं याद रख सकते तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो खाओ और सो, रिजल्ट आए तो रो, और तो कोई दूसरा चारा नहीं है। फिर तो और कुछ नहीं हो सकता, ये तो याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी होप नहीं है मेरे पास। अगर बेसिक मीडियम में इनको ट्रीट कर रहे हो तो बेसिक मीडियम में तो कुछ नहीं होना, क्रोमियम +6 में था +6 में रहेगा। न्यूट्रल मीडियम में अगर ट्रीट कर रहे हो तो कुछ नहीं होना, +6 में था +6 में रहेगा। बट अपार्ट ऑफ K2Cr2O7 इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द KMnO4 तो ये एसिडिक मीडियम में मैग्नीज +7 से मैग्नीज +2 में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहां इसका इक्विवेलेंट वेट इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स, ऐसा भी बोलते हैं लोग, लेकिन वो क्यों बोलते हैं वही रीजन है। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से कुछ नहीं होने वाला है, जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से जानो कि मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ले या दे वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो उसका 1 मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन को लिया तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को कितना हिस्सा लेगा, मोलर मास डिवाइड बाई 5। अगेन इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द KMnO4 का, अगेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बिहेवियर इन न्यूट्रल मीडियम, देन वी विल फाइंड दैट मैग्नीज इज कन्वर्टेड फ्रॉम +7 to +4। So directly I am going to write the equivalent weight is the molar mass divided by 3। Smart लोग समझ गए होंगे और जो smart नहीं है वो समझने की कोशिश करें, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो smart ना हो। खाली पूरी तरह से concentrate होने की ज़रूरत है। और if I am going to talk about its behavior in, ये तो neutral में था, in बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में Mn+7 से Mn+6 में कन्वर्ट होता है और इक्विवेलेंट वेट मोलर मास ऑफ KMnO4/1 आ जाता है। अब यहाँ अगर देखो तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, या किसी रिएक्शन में जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। मींस K2Cr2O7 इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ इट इज प्रेजेंट इन एसिडिक मीडियम। एंड अ पार्ट ऑफ K2Cr2O7 इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द KMnO4 देन वी कैन से दैट KMnO4 इज ऑल्सो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन न्यूट्रल मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। कोई भी मीडियम लोगे तो उसमें KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है, और जहां भी कहीं KMnO4 का खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। प्यारे बच्चों,
अब कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली सीखते हैं. ऑन द बिहाफ ऑफ सम सेलेक्टिव क्वेश्चंस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इक्विवेलेंट वेट. वो सेलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स, वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस क्या हैं, जरा देखिए. पहला क्वेश्चन तो यही है जो मुझे काफी प्यारा लगता है, आप भी देख लीजिए. कहता है कि K4 FeCN6 का कन्वर्जन हो रहा है Fe+2 में, NO3- में और CO2 में. क्वेश्चन सेइंग दैट K4 FeCN6 इज कन्वर्टेड इन Fe+2, NO3- एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K4 FeCN6. हमसे कह रहा है कि K4 FeCN6 का क्या निकालो, इक्विवेलेंट वेट निकालो. प्यारे बच्चों अब आगे देखो, तुम्हारे सर ने तुम्हें आज इतनी देर से सिर्फ एक ही बात सिखा रहे हैं कि दुनिया के किसी भी स्पीसीज के मोलर मास का वह हिस्सा जो एक मोल इलेक्ट्रॉन ले या एक मोल इलेक्ट्रॉन दे वही कहलाता है इक्विवेलेंट वेट. सबसे सटीक डेफिनेशन है, बाकी डेफिनेशन थोड़ा आसान तो लगते हैं, बट बेटा आप नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं तो जो भी कुछ बहुत आसान लगे वो तुम्हें लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आसान तो खैर पूरा है लेकिन जो बहुत आसान लगे वो अच्छा नहीं हो सकता. जहाँ कुछ दिमाग को जोर देना पड़े, जहाँ तुम्हें कंसंट्रेशन के लेवल को इनक्रीज करना पड़े, जहाँ तुम कुछ और सोचते हुए चीज़ों को ना समझ पाओ. नहीं तो पता लगे सोच रहे हो क्रिकेट खेल रहे थे, सोच रहे थे कि फलाने गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे थे और उसी में पढ़ भी रहे हैं और चीज़ों को समझ भी गए, तो वो चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट उतनी पावरफुल नहीं हो सकती. जब किसी चीज़ को समझने के लिए आपको बाकी चीज़ों से दूर हटना पड़े तो याद रखना कि उसमें कुछ दम है, उसमें कुछ है ऐसा जो आपको बाकी चीज़ों से हटा रहा है, तो ज़रूर उसमें कुछ दम है और ज़रूर वो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. उसमें से ही एक बात ये भी है, अब जरा देखिए मेरे डेफिनेशन से आपका काम बनने वाला है. अगर ये टूटेगा तो आई एम श्योर कि ये 4K+ और FeCN का 6 होल पे -4 पे टूटेगा. अगेन आई कैन से दैट सपोज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज X, वी नो दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड इज -1, हियर इट इज -2, तो X=2+2 मीन्स आयरन इज कन्वर्टेड फ्रॉम +2 to, इसको आई थिंक +3 करना पड़ेगा, क्वेश्चन चेक कर लेता हूं. आयरन इज कन्वर्टेड फ्रॉम +2 to +3. सेम टाइम अगर मैं देखूं तो हमारे पास साइनाइड आयन भी है Cn-, साइनाइड आयन में कार्बन भी है और साइनाइड आयन में नाइट्रोजन भी है. नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है NO3 पे माइनस में और कार्बन कन्वर्ट हो रहा है प्यारे बच्चों CO2 में. जरा भी मत घबराना जब मैं हूं तुम्हारे साथ. तो साइनाइड का स्ट्रक्चर बनाने से पहले बताओ कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, मैं तो जानता हूं 4. बताओ कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कुल कितना इलेक्ट्रॉन, मैं तो जानता हूं 5. अगर ये इससे कोवेलेंट बॉन्ड कर ले तो जरा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन इस कार्बन को दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. अब नाइट्रोजन की स्थिति को अगर वॉच करोगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया जाए तो जरा बताओ कि साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया कि नहीं। और साइनाइड आयन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पर ऑक्टेट का कंप्लीशन हो गया कि नहीं। अगर हो गया प्यारे बच्चों, तो अभी भी इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैंने आपको बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में। यहां जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, और हमने पीछे बताया था कि ऐसी स्थिति में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है इन द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो चाहे कार्बन का निकालें चाहे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के कैलकुलेशन, नाइट्रोजन या कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन के दौरान इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई यूज नहीं रह जाएगा। अगर यही कार्बन से नाइट्रोजन बन रहा होता तो होता, पहले लेक्चर में मैंने ये बात बता रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन पे टोटल +2 चार्ज आएगा और इस नाइट्रोजन पे इस कार्बन की वजह से टोटल -2 चार्ज आएगा। अब -1 चार्ज ऑलरेडी था और -2 कार्बन वाले दोनों बॉन्ड से खींच के आया। तो अगर मैं यहां कहूं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो बच्चों आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं देखूं तो CN- के नंबर कितने हैं, 6, और अगर ये CO2 में कन्वर्ट होगा तो हमें कार्बन बैलेंस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 6 करना पड़ेगा। कार्बन +2 से +4 में जा रहा है तो हर एक कार्बन 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, टोटल 6 कार्बन हैं तो 6 मोल कितना करेगा, 12 मोल इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। अगर CN- का नंबर 6 है, अगर मैं इसका कन्वर्जन NO3 में लूं तो मेरा सारा मतलब है नाइट्रोजन से। एक नाइट्रोजन CN- में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां एक नाइट्रोजन +5 में, -3 से +5 में जाने पर हर एक नाइट्रोजन को 8 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। टोटल कितने मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, बैलेंस करना पड़ेगा भाई, 6 मोल नाइट्रोजन है तो 1 मोल अगर 6 मोल इलेक्ट्रॉन देगा तो 8 मोल, 1 मोल अगर 8 मोल इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका 6 मोल कितना देगा, 8 × 6 यानी कि 48। अब जरा गौर से देखो कि 1 मोल K4FeCN6 releases how many mole of electron? तो सारे इलेक्ट्रॉनों को बच्चों सम कर लें। क्वेश्चन अच्छा है, देखो 10 क्वेश्चन चिंदी चोरी वाले से अच्छा एक बढ़िया क्वेश्चन होता है। देखो कितने मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, 48 + 12 + ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, 1, यानी कि टोटल इसका 1 मोल 61 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। अब मैंने क्या डेफिनेशन बताया था कि किसी भी स्पीसीज के मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को दे या 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को ले, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। तो माना कि इसका मोलर मास है कैपिटल M, तो कैपिटल M मास 61 मोल इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को इसका कितना हिस्सा देगा, कैपिटल M अपॉन 61। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K4FeCN6। काफ़ी स्मार्ट क्वेश्चंस में से एक है, मैंने समझाने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करूँगा हूँ कि ये ज़रूर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैंने खोल के सामने ही रख रखा है बुक में, वो भी करा देता हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है। आप लोग देखें, यदि आपको भी अच्छा लगता हो तो ज़रूर कुछ सीखने का प्रयत्न करें। ये केमिस्ट्री, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो ना तो दुनिया के सारे बच्चे पढ़ पाते हैं, बहुत फैक्ट बात बता दूं,
और ना ही दुनिया के सारे टीचर पढ़ा पाते हैं। एकदम फैक्ट बात है। आप लोगों ने भी पहले अगर पढ़ा होगा तो कितना पढ़ा होगा आपको पहले से भी थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। एक क्वेश्चन और है जो मुझे काफ़ी ठीक लगता है, कहता है कि 28 मोल NO3 माइनस रिएक्ट करता है 3 मोल AS2S3, 4 मोल H2O और बनाता है 6 मोल AsO4 पे -3 और 28 मोल NO और देता है 9 मोल सल्फेट आयन और 1 मोल H आयन। कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना, सिर्फ जानना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3 गिवन इट्स मोलर मास इज कैपिटल M। चलो भैया देखें, क्वेश्चन देखा, कुछ नहीं समझ में आया, थोड़ा लंबा सांस लिया, सोचा कि यार रंजीत सर का वीडियो देखे थे, सर ने मुझे बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को ले या 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को दे इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो आओ जरा देखते हैं किसका मोलर मास का कितना हिस्सा 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लेगा या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को देगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3 मोल AS2S3 है। अब ये अगर टूटेगा तो 6 मोल AS प्लस 3 और 9 मोल S पे -2 में। अब बच्चों अगर हम लोग देखें तो 6 मोल AS प्लस 3 कन्वर्ट हो रहा है 6 मोल AsO4 -3 में और 9 मोल सल्फाइड आयन कन्वर्ट हो रहा है 9 मोल सल्फेट में। सरकार अगर मैं चेक करूं तो 2 4 8 यानी प्लस 5, यहां पर आर्सेनिक प्लस 3 से प्लस 5 में जा रहा है, यानी कि 2 का इंक्रीज हो रहा है। टोटल आर्सेनिक कितने हैं? 6। यानी अगर एक आर्सेनिक 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 6 मोल आर्सेनिक को 12 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। मींस फॉर द कन्वर्जन ऑफ 6 मोल ऑफ As प्लस 3 इंटू 6 मोल ऑफ AsO4 पे -3, As प्लस 3 शुड रिलीज 12 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द सल्फर। हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज नथिंग बट प्लस 6 एंड हियर इट इज -2। ईच सल्फर इज कन्वर्टेड फ्रॉम -2 टू प्लस 6 मीन्स ईच सल्फर इज रिलीजेस 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। And if we are considering the number of sulfur in 3 mole of this, how much? 8 into 9, yani ki total 72 mole electron release karega. Beware, ekdam saudhan. Ab main keh sakta hoon ki 3 mole AS2S3 releases 72 प्लस 12 यानी कि 84 मोल इलेक्ट्रॉन। आई एम नॉट कंसर्न फॉर 3 मोल, आई एम कंप्लीटली कंसर्न फॉर 1 मोल। तो 1 मोल AS2S3 विल रिलीज 84 डिवाइडेड बाय 3, 3 × 2 = 6 = 8, 3 × 8 = 24, 28 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का जो मास होगा वही मोलर मास होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल रिलीज्ड बाय कैपिटल M अपॉन 28 ग्राम।
वन मोल का जो मास होगा वही तो मोलर मास होगा, तो कैपिटल एम अपॉन 28 ग्राम ये वह मास है जो वन मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल का वह मास जो एक मोल इलेक्ट्रॉनों को ले या एक मोल इलेक्ट्रॉनों को दे सरकार, उसको ही बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको थोड़ी बहुत बातें इक्विवेलेंट वेट के रिगार्डिंग समझ में आई होंगी। अब टाइट्रेशन में हमने आपको जो रिएक्शंस पढ़ाए उनकी कुछ इम्पॉर्टेंस है। एक रिएक्शन और आती है, रुको देखता हूँ बुक में मिले तो उसको भी करा देता। इक्विवेलेंट वेट को ही पूछता है, दो एग्जाम्पल हमने किया 100%। एक एग्जाम्पल और है, मुझे जरा सा टाइम दीजिए, ज़्यादा भी नहीं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कहाँ दिया होगा, वो मोल कॉन्सेप्ट में ज़रूर दिया होगा, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। कहाँ गए भैया मोल कॉन्सेप्ट, जब बच्चों को इतना कुछ सिखा रहा हूँ तो उसको भी सिखा लेने दो, बिल्कुल भी परेशान ना करो, झट से खुल जाओ। ये बड़ा झंझट लगता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अरे शुरू में ही है। इक्विवेलेंट वेट कहाँ चले गए भैया, हाँ मिल गया। एक क्वेश्चन और मुझे अच्छा लगता है, आप देखें आपको भी अच्छा लगे तो जरूर कुछ सीखें। कहता है कि 2 मोल Na2 S2O3 आयोडीन से रिएक्ट करके Na2 S4O6 बनाता है बच्चों, और 2 सोडियम आयोडाइड दे देता है। तो हमसे कहता है कि अगर इसका मोलर मास दिया है M, तो इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ। आओ शेरों हम लोग जरा जुट जाते हैं और जुट के हम लोग आंसर निकाल ले आते हैं। जुटना बहुत आसान है, खाली क्या करना है, बुद्धिमानी से देख लेना है कि ये इसके मोलर मास का कितना हिस्सा एक मोल इलेक्ट्रॉन को देता है। तो आओ जरा करते हैं, क्या दिक्कत है भाई। अगर मैं देखूं तो यहाँ S2O3 पे -2 है जिसमें कोई चेंज हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ भी +1 में है, यहाँ भी +1 में, क्या करना। और यहाँ S4O6 पे -2 है। अगर यहाँ सकल बनाओगे तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, O- डबल बॉन्ड O कर दिया, एक सल्फर बना, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम टाइप के एटम के बीच में बना हुआ है। यहां अगर देखें तो जरा गौर करिएगा, यहां है S4O6 पे -2, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O- S, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S4O6 पे -2। अब प्यारे बच्चों जरा मुझे बताओ कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, यानी कि एक सल्फर है जो बच्चों किस स्थिति में है, एक सल्फर है जो इसका +4 में है, और दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना जाएगा, 0, क्योंकि दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बॉन्ड बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब यहां जरा देखिए, इसका टोटल अभी बैलेंस नहीं है, यानी कि इसका हमने 2 ले रखा है, तो इसका 2 ले रखा है, तो अब बात बैलेंस है।
जरा देखो, यहां पर दो ऑक्सीजन, दो सल्फर ऐसे हैं जो जीरो में हैं, और दो सल्फर ऐसे हैं जो दो दो चार एक पांच प्लस फाइव में, दो दो चार एक पांच प्लस फाइव में है। अब जरा गौर करो, यानी कि जो तुम्हारे पास भी दो सल्फर हैं जो जीरो में हैं और दो सल्फर हैं जो प्लस फोर में हैं, तो दो सल्फर इधर भी जीरो में हैं और दो सल्फर इधर भी जीरो में हैं, दो सल्फर इधर प्लस फोर में हैं और दो सल्फर इधर प्लस फाइव में हैं। प्लस फोर से प्लस फाइव में जाने के लिए दो सल्फर्स को दो मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि टू मोल Na2SO4 को टू मोल टू मोल Na2S2O3 को वन मोल Na2S4O6 में कन्वर्ट होने पर, ज्यादा तो नहीं, हमने प्रूफ करके दिखा दिया है कि दो मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, तो इसके दो मोल को वन मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, तो इसके वन मोल को कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, वन मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और वन मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मोलर मास के बराबर, यानी कि मोलर मास का वह हिस्सा जो वन मोल इलेक्ट्रॉन को दे वही तो इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। अब यहां पूरा मोलर मास ही है वो जो वन मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वही मोलर मास ही इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलर मास का वह हिस्सा जो एक मोल इलेक्ट्रॉन को ले या एक मोल इलेक्ट्रॉन को दे वही इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। अब यहां पता लगा कि इसका मोलर मास ही एक मोल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसका मोलर मास इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा श्रीमान, मोलर मास अपॉन एम अपॉन वन लिखा रहता है बुक्स में, आप चाहो तो मोलर मास बोल सकते हो, मोलर मास अपॉन वन भी बोल सकते हो। अब उम्मीद कर सकता हूं कि मैंने अपने प्यारे बच्चों को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना जरूर सिखा दिया होगा। अगर आप सीखे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर आप नहीं सीखे हैं तो भी कोई खराब बात नहीं है। दो चार बातें और सुन लीजिए, फिर आज का लेक्चर खत्म करूंगा। आप को मैंने जब हेडिंग डाली थी तो बोला था कि तीन बातें बताऊंगा, टाइट्रेशन, इक्विवेलेंट वेट, और फिर आपको बताऊंगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल और डी का डी मोल बनाता है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, अगर इसका एक्स ग्राम इक्विवेलेंट लग रहा है तो इसका भी एक्स ग्राम इक्विवेलेंट ही लगेगा, इसका भी एक्स ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा, और इसका भी एक्स ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा, यानी कि इस धरती पर पाई जाने वाली सभी केमिकल रिएक्शन इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होती हैं। इस संसार में इस धरती पर पाई जाने वाले सभी रिएक्शन इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होते हैं, तो ये कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन बहुत खास बात है कैसे, जरा देखो। कहता है हाउ मेनी मोल ऑफ K2Cr2O7 इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वन मोल ऑफ Sn+2, क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर मेरे पास वन मोल है Sn+2, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए कितने मोल K2Cr2O7 की ज़रूरत लगेगी। बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, हमें नहीं मालूम कि क्या प्रोडक्ट बनता है, भाड़ में जाए जानने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इतना मालूम है कि जब K2Cr2O7 से Sn+2 को रिड्यूस कराओगे तो दोनों को आपस में रिएक्ट करना पड़ेगा, और साथ साथ में मुझे ये भी बात मालूम है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि
जो ग्राम इक्विवेलेंट, जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 होगा वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SN+2 के। अब बच्चों ये तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है और ये बात आपको मालूम ही होनी चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अब जरा देखिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट करके। अब जब इसका नाम नहीं ले रहा है तो ये एसिडिक मीडियम में ही तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये पीछे दिखाया मैंने, तो ये बात क्लियर है कि एसिडिक मीडियम में ही यूज होगा। और ये किसके हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SN+2। तो SN+2 का ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, 1 मोल है तो मोलर मास के बराबर होगा, क्योंकि मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इफ इट इज 1 देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल्स टू मोलर मास। यानी अगर किसी चीज की 1 मोल ली गई है तो उसका मास हमेशा उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो यहां हमने लिख दिया मोलर मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है भाई, प्लस 2 है तो 0 जाएगा, 2 से 0 में जाएगा तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। चार्ज एसोसिएटेड विद कैटायन बताया था कि नहीं बताया था, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। अब यहां m से m कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 6 होता है, ऊपर गया 6 हो गया, यहाँ क्या हो गया, m से m कट गया, 2 ऊपर चला गया। अब ये वैल्यू जरा गौर करके देखो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, यही तो मोल होता है, तो मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/6 यानी 1/3। यानी कि इसके एक मोलर मास अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में मोलर मास लिया, यानी इसका एक मोल लिया ना, यानी कि इसके एक मोल को रिड्यूस करने के लिए K2Cr2O7 के मोल कितने आ गए, 1/3 आ गए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, यानी कि इसके एक मोल को रिड्यूस करने के लिए K2Cr2O7 के कितने मोल लग गए, 1/3 मोल लग गए। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को मान लो वो कहता कि KMnO4 से करो, तो जरा देखो अगर इसी 1 मोल SN+2 को वो रिड्यूस कर रहा होता KMnO4 से और कहता कि अगर मैं 1 मोल SN+2 को KMnO4 से रिड्यूस कर रहा हूँ, एक बार एसिडिक मीडियम में है KMnO4, एक बार बेसिक मीडियम में है यही KMnO4, एक बार न्यूट्रल मीडियम में है यही KMnO4, तो बताओ इसका कितना मोल लगेगा। यहाँ N1 है, अगर यहाँ N2, यहाँ N3 और बदल देता हूँ, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N1:N2:N3। डोंट वरी एट ऑल, जरा देखिए कुछ नहीं जानता बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि SN+2 जब KMnO4 से रिएक्ट करेगा तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस दुनिया से कह के जा चुका है कि कह के जा चुका है बोलना गलत है, दुनिया को बता चुका है कि कोई भी रिएक्शन जब होगी तो ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होगी। तो मुझे कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, मुझे मालूम है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SN+2 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब इससे मैं सब कुछ ले आ दूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट इसका 1 मोल है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। पूरा लिख देता हूँ लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ KMnO4, KMnO4। और एसिडिक मीडियम में जो इसका इक्विवेलेंट वेट आया था अगर आप याद करो तो डिवाइडेड बाई 5 आया था, यानी ऊपर 5 चला जाएगा। अब यहाँ
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम मोलर मास के बराबर, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है क्योंकि जब रिड्यूस होगा प्लस 2 से 0 में जाएगा ना, तो इसके एक मोल के द्वारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया गया, तो एक मोल के द्वारा जितने मोल इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाएं वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया। तो अब जरा देखो 2/5 ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ KMnO4, तो ये N1 यानी उसके मोल आ गए, N1 की वैल्यू आ गई 2/5। अब अगर यही KMnO4 इसको बेसिक मीडियम में न्यूट्रलाइज करता है तो जरा देखो क्या हो जाएगा, सीधे लिखता हूं देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KMnO4 और वैलेंसी फैक्टर बेसिक मीडियम में 1 था। अब वो पीछे बता चुका हूँ, ये मत पूछना कैसे था, ये नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्लियर कट जानते रहो। यहाँ से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम मोलर मास इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला गया 2, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KMnO4 प्रभु, KMnO4 प्रभु तो डिवाइडेड बाय 1, एम से एम कट गया 2 आ गया, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 2, मीन्स इफ इट इज रिड्यूस्ड बाई KMnO4 इन बेसिक मीडियम देन द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ KMnO4 इज 2, यानी कि एसिडिक मीडियम में कम लगता, बेसिक में ज्यादा लगेगा। फर्दर इफ आई एम गोइंग टू डू सेम रिएक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, ये हमने किया बेसिक में, ये हमने किया एसिडिक में, अब हम ये करने चल रहे हैं न्यूट्रल मीडियम में। अगर न्यूट्रल मीडियम में करता हूं तो अब सीधे यहीं आ जाओ, m/m(2) अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KMnO4 ऊपर चला जाएगा 4, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम में जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है 3, क्योंकि +7 से +4 में चेंज होता है 3, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, यही हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ KMnO4, इट इज नथिंग बट मोल ऑफ KMnO4, N3, दैट वैल्यू ऑफ N3 इज 2/3। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेशियो देन यू हैव टू राइट 2/5 is to 2 is to 2/3। तो अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 तिहाई 15, 6 is to 30 is to 10, क्या ये आगे सिंप्लीफाई होगा, हाँ होगा, 2 से 3 is to 15 is to 5, दिस इज द रेशियो ऑफ द मोल्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ SN+2 इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम बाई KMnO4। उम्मीद करता हूँ कि इस आज रिडॉक्स रिएक्शन पे जो लास्ट लेक्चर हमने डिलीवर किया, काफ़ी मैंने मेहनत से इसको आपको बताया और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया, उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं आपको नहीं सिखा पाया हूँ तो आप कोशिश करिए किसी भी रास्ते से, किसी और टीचर से, किसी और बुक से, कहीं से भी सीख करके आप ज़रूर अपने आप को रेडी करें, क्योंकि ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं नीट के लिए, और एग्ज़ाम नीट का होने वाला है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, आप सभी बच्चों ने मुझे सुना, मुझे देखा, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।